अस्सलाम वालेकुम। एचएम टेक सॉल्यूशंस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि आईकॉम V82 का बोर्ड है हमारे पास, इसको किस तरह से डेड बोर्ड को जो है वो रिपेयर किया जाता है। सबसे पहले हम इसको 7.4 वोल्ट्स बैटरी टर्मिनल पे जो है वो देंगे और देखेंगे कि ये ऑन हुआ है या नहीं हुआ। तो आपके सामने ये ऑन नहीं हो रहा, तो इसकी हिस्ट्री ये है कि इस जो रेडियो है इसमें बारिश का पानी या नमी किसी वजह से अंदर इतनी ज़्यादा पहुंच चुकी थी कि बैटरी टर्मिनल और उसके करीब करीब जो पार्ट्स थे वो जो हैं ड्राई सोल्ड हो चुके थे मुकम्मल तौर पे और करंट को पास नहीं कर रहे थे। स्पेशली जो इसके बैटरी टर्मिनल के बिल्कुल साथ एक इंडक्टर कॉइल्स और उसके अलावा एक रेगुलेटर था, वो मुकम्मल तौर पे जो है वो ड्राई सोल्ड हो चुके थे और करंट को नहीं गुजरने दे रहे थे। अब इसको अच्छी तरह सोल्ड करने के बाद हम आपको दिखाएंगे बैक साइड से भी, इसको पहले चेक कर लेंगे कि बैक साइड पे भी कोई ड्राई सोल्ड तो नहीं है। तो ये बैक साइड से बिल्कुल ठीक था। तो इसके करीब ये देखें, ये रेक्टिफायर डायोड है, इसको भी अच्छी तरह से हमने सोल्ड किया। अब इसके बाद हम इसको पहले आपने अच्छी तरह इसको क्लीन कर लेना है मदरबोर्ड क्लीनर से, वो हमने साफ़ कर लिया था। और अब इसको दोबारा बैटरी टर्मिनल को पे पावर सप्लाई देंगे और ये देखें ये आपके सामने ये डिस्प्ले ऑन हो चुका है। तो ये बोर्ड ठीक हो चुका है और इस पे डिस्प्ले आना शुरू हो गया है। और इसको वॉल्यूम को घुमा के देख लेंगे कि ये फंक्शनिंग ठीक कर रहा है, तो ये आपके सामने कर रहा है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को